गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। हाँ तो गाइज, फिलहाल आज हम आ गए हैं गोरखनाथ मंदिर पे। आइए हम आपको यहाँ का पार्किंग दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपको अंदर लेके चलते हैं। तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अच्छा ठीक है, समझ गया। हाँ तो दोस्तों, यहाँ का पार्किंग काफ़ी ज़्यादा बड़ा है गोरखनाथ मंदिर का। आप लोग को ये बात पता ही होना चाहिए, या फिर नहीं पता तो आप लोग जान लीजिए। बहुत ही लंबा चौड़े में यहाँ का पार्किंग है, और यहाँ का जो गेट है बहुत ही विशाल है। आइए हम आपको यहाँ का गेट भी दिखाते हैं। फिलहाल आप लोग ब्लॉग में बनी रहिएगा गाइस, तब तक के लिए हम यहाँ से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका गेट कैसा है फिलहाल आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। ये रहा हमारा गोरखनाथ मंदिर, फिलहाल आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम आप लोग को लेके चलते हैं अंदर गाइस। हाँ तो गाइस, जैसे कि आप सबको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि फिलहाल हमने प्रसाद ले लिया और जा रहे हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। तब तक के लिए आप लोग बुला। हाँ तो दोस्तों, फाइनली हम गोरखनाथ मंदिर में पहुँच गए हैं। बाबा भोलेनाथ की जय। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का काफ़ी अच्छा नज़ारा है, और बहुत ही अच्छा प्यारा लग रहा है गाइस। फिलहाल आप लोग के पास टाइम होगा तो एक बार आइएगा ज़रूर घूमने के लिए। हाँ तो दोस्तों, यहाँ फाइनली हमने प्रसाद चढ़ा दिया है। आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने प्रसाद चढ़ा दिया, और हम आपको बाइक कैमरे दिखाते हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही दमदार है। माता जी के स्थान पे आपको हम बाइक कैमरे दिखाते हैं, फिलहाल आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। जैसे कि यहाँ पे माता जी का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर, और कई कई सारी मूर्ति और मंदिर यहाँ पे हैं। फिलहाल हम सबका नाम तो नहीं जानते हैं, फिलहाल आपको बताना चाहते हैं। आप लोग आए तो यहाँ पे सब घूमिएगा जरूर, शंकर भगवान की। जैसे कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ का मंदिर बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है, काफ़ी दूर दूर तक मशहूर है। फिलहाल आप लोग भी देखिए, गोरखनाथ मंदिर ही हमारा है, और यहाँ पे माताएं बहनें और सभी लोग आते हैं, फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और पूजा करते हैं श्रद्धा के साथ। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि ये रहा यहाँ का नज़ारा। फिलहाल हम आपको बाइक कैमरे दिखाते हैं, आगे ज़्यादा दिखाएंगे तो आप लोग कहेंगे कि अपना ही फेस बार बार दिखाते हैं। फिलहाल आपको हम दिखाते हैं बाइक कैमरे से, यहाँ का नज़ारा बहुत प्यारा है। तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। के नंदी महाराज हैं, आप लोग को पता ही होगा। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा बड़ा सा मंदिर गोरखनाथ मंदिर यही है, फिलहाल आप लोग देख लीजिए। हाँ तो गाइज, यहाँ का ये छोटा सा लोकेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, आप लोग को पता ही होना, और नहीं पता तो फिलहाल आप लोग देख लीजिए। अगर कभी भी टाइम मिलेगा तो आप लोग आइएगा यहाँ पे घूमने ज़रूर। फिलहाल ये नाइट का व्यू है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगता होगा नाइट में। फिलहाल जो डे में है हम आपको दिखाते हैं डे के लिए। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि ये यहाँ का गार्डन है छोटा सा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हाँ तो गाइस, यहाँ पे जो भीड़ लगी है थोड़ा सा, यहाँ पे जूता चप्पल जमा होता है और बैग भी जमा होते हैं। फिलहाल हमको वहाँ पे जाना नहीं, हमारा बाहर ही है, चलते हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम चलते हैं बाहर, आप लोग से मिलते हैं।
बाहर का व्यू है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ रहती है। अभी हम चलते हैं फिलहाल दुकान पे जहाँ से प्रसाद लिए थे और उनसे पूछते हैं कितना पैसा हुआ, फिर उनको पैसा देके हम यहाँ से निकलते हैं। गाइस माताएं बहनें विशेष ध्यान दें। हाँ तो गाइस ये रहा यहाँ का प्रसाद, आप लोग देख सकते हैं सबके लिए उपलब्ध है। ले पैक कर दीजिए। हाँ तो दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया और हम यहाँ से चलते हैं बाहर। तब तक के लिए आप लोग को नमस्कार और आपको हम दिखाते हैं यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा प्यारा। और हमने प्रसाद ही ले लिया आप लोग के लिए, आप लोग का टाइम होगा तो ज़रूर आइएगा प्रसादी खाने हमारे पास बस्ती से अखिल ब्लॉगर। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर ढेर सारी दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पर कितनी सारी दुकानें हैं, मीठे की उधर दुकानें हैं और इधर सब सिंगार की दुकानें हैं। हाँ तो भाई जैसे कि आप सब देख सकते हैं हम पार्किंग में आ चुके हैं और फिलहाल चलते हैं अपने बाइक के पास, बाइक उठाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। हाँ तो गाइस फाइनली अपने बाइक पे बैठने हैं और यहाँ से निकलते हैं, फिर आप लोग को मिलते हैं बाहर। तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस। गोरखपुर स्टेशन पे जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ा स्टेशन हमारा है, तो आइए हम आपको यहाँ का पार्किंग दिखाते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा और बहुत ही बड़ा है। फिलहाल आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं। हाँ तो गाइस जैसे कि आप सबको दिखाते हैं कि ये यहाँ का पार्किंग बहुत ही बड़ा है। फिलहाल आइए हम इधर भी दिखाते हैं, जितना दूर तक देखते हैं उतनी दूर तक खाली बाइक ही बाइक नज़र आ रही है। फिलहाल आइए हम आपको अंदर लेके चलते हैं 4 नंबर गेट से। तो आप सबको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि यहाँ का ये रहा हमारा छोटा सा ट्रेन जो बाहर रखा गया है नुमाइश के लिए आप सबको देखने के लिए, और हम आपको यहाँ से दिखाते हैं 4 नंबर गेट का व्यू काफ़ी अच्छा है। हाँ तो गाइस जैसे कि आप सबको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हमारे बस्ती या फिर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेशन है, इतना बड़ा स्टेशन हम आज तक नहीं देखा। फिलहाल आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम आगे आप लोग को दिखाते रहेंगे। चीज़ दिखाना चाहते हैं ये जो गाड़ी नंबर है 6335 काफ़ी लंबा चौड़ा और बहुत ही बड़ा है। फिलहाल आपको हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जा रहे हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं बाइक कैमरे से। फाइनली हमने पहुंच गए स्टेशन के ऊपर, अभी आपको दिखाते हैं हमारे भाई साहब अभी आ रहे हैं उनको रिसीव करने जा रहे हैं। जीवन भाई उसका गाड़ी नंबर है 37366। दोस्तों ये हमारे उत्तर प्रदेश का फाइनली सबसे बड़ा स्टेशन है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि काफ़ी दूर दूर तक एकदम पब्लिक ही पब्लिक दिखाई दे रही है और जहाँ तक नजर आ रही है उतनी दूर तक खाली प्लेटफॉर्म ही दिख रहा है। गाइस आप लोग को कभी अगर टाइम मिले तो गोरखपुर आने का जरूर मौका दूंगी, क्योंकि मज़ा ही मज़ा यहाँ पे है गाइस। हाँ तो दोस्तों जैसे कि आप सबको एक चीज़ पता है कि कितनी बड़ी बड़ी से दूर दूर तक गाड़ियाँ दिख रही हैं ना, बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ दिख रही हैं। फिलहाल ये झंडा जो है झंडे के पास हम भी आए हुए हैं, सबको दिखाते हैं कि दूर दूर तक खाली भर मतलब यही सब लग रहा है कि प्लेटफार्म ही है और बहुत बड़ा ही प्लेटफार्म है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। तो गाइज आप सबको अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं फिलहाल फाइनली नीचे, आप लोग को आगे मिलते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ लगी हुई है। Hey,
हैं कि हमारे गोरखपुर स्टेशन पे कितनी सारी भीड़ है। फिलहाल आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम आपको बैक कैमरे दिखाते हैं। सारे पब्लिक अभी बैठे हुए हैं और जितने लोग भी बाहर जा रहे हैं, जो ट्रेन आई है सत्य कर उसी से सब लोग बाहर निकल रहे हैं। एक बार में काफ़ी ज़्यादा पब्लिक आ जाती है। फिलहाल आप लोग को दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, गोरखपुर जो हमारा जंक्शन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन है। फिलहाल आप लोग के लिए देखिए, एक बाहर ट्रेन रखा गया है। आप लोग कभी आइएगा तो इसमें घूमिएगा, अंदर तो जगह मिलेगा नहीं, तो बाहर से ही आप लोग घूम के मज़े करिएगा। हाँ तो गाइज, हमारे शिवम भैया भी आ गए, जिनका हम वेट कर रहे थे काफ़ी देर पर स्टेशन पर। फिलहाल हम आगे चलते हैं इनको लेके, इनके रूम पे छोड़ते हैं, फिर हम निकलेंगे घर के लिए। तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। हाँ तो गाइज, फाइनली हम पहुँच चुके अपने बाइक के पास। फिलहाल आप लोग देख, पार्किंग बहुत ही दूर दूर तक खाली पार्किंग ही दिख रहा है। जहाँ तक देखें नज़र जाएगी, वहाँ तक खाली बाइक ही बाइक नज़र आ रहा है। गाइज आपको भी हम दिखाते हैं बाइक कैमरे, फिर अपना बाइक उठाते हैं। हाँ, रही मेरी बाइक। फिलहाल आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम आपको दिखा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।